अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अल्लाह आपको, हमको, हम तमाम लोगों को अच्छा रखे। हम सब के जायज़ तमन्नाएं अल्लाह ताला पूरी करे। अल्लाह ताला हमारे दस्तर में, हमारे रिस्क में, हमारे कारोबार में, हमारे पैसे में, हमारे घर के राशन में, हमारे घर की हर वो जायज़ चीज़ में खैर व बरकत दे। अचानक का खैर अता फरमाए। आने वाले शर से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज आपको बताने जा रही हूँ पालक गोश्त। पालक गोश्त के लिए ली मैं 10 ml ऑयल, अनियन 2 पीस स्मॉल वाले। गैस बंद है, पहले ऑयल थोड़ा गर्म कर ली थी मैं, अब गैस ऑन करूँगी। हरी मिर्ची है 2 पीस, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 2 पिंच हल्दी। जब ये प्याज थोड़ी होने आती ना, पूरी होना नहीं है प्याज, ये सब डाल देना है। लोग जितनी मिर्ची खाते हैं उतना डालना। ये जो विंटर का सीजन है ना, तो हरी मिर्ची और पालक में हरी मिर्ची भी डालना और लाल मिर्ची भी डालना। लाल मिर्ची अभी नहीं डालना है, बाद में डालना है। तो हल्के सा ये कच्चा पक्का करना है। ये साइज के 2 पीस अनियन ली मैं, आप लोगों को बताने रखी। पालक के जो मैं 8 पीस छोटे वाले बंडल ली, कट्टे बोलते, देखिए उसको वो, और 2 सोया छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं, 2 पीस सोया, बड़ा वाला बंडल नहीं। तो सोया डाले तो हरा धनिया नहीं डालना, हरा धनिया डाले तो सोया नहीं डालना। और जिसको सोया पसंद नहीं है, बहुत लोग को सोया पसंद नहीं रहता पालक के साथ, तो आप लोग कोथमीर डाल लेंगे। 300 ग्राम मटन हड्डी वाला, पालक में हड्डी वाला मटन बहुत अच्छा दिखता। 6 से मिक्स कर लेना है इसको। और जो एकदम स्पाइसी खाते, 8 से 10 हरी मिर्ची डाल सकते हैं आप लोग। थोड़ा उससे कम खाते तो 6-7 डाल सकते। पालक में 1 टीस्पून नमक डाल के 15 मिनट भिगाड़ी में अच्छे से पानी में डाल के, उसके बाद छन्नी में डाल के रख दी। छन्नी में डाल के रख के 10 मिनट्स रखी। और सोया है इसके अंदर, सोया भी मिक्स है इसके अंदर, सोया बाद में नहीं डालना, एक साथ डालेंगे तो पालक का मज़ा आएंगे। सोया है 2 पीस, पालक है 8 पीस। पालक में कुदरती सॉल्ट है था, इसलिए नमक कम डालिए, बाद में टेस्ट करके डालिए। थोड़ा इसका थोड़ा ये थोड़ा कम हो जाएंगे ना, नीचे जाएंगी तो जब अदरक लहसुन। आप लोग पूछेंगे क्यों आंटी स्टार्टिंग में क्यों नहीं डालती, तो मैं जो अपने बड़ों से सीखी तो आप लोगों को वैसे बताती हूँ। अब इसको 5 मिनट रखूँगी मैं, अभी कुकर नहीं लगाऊंगी। अब पालक ऊपर है ना, अब थोड़ी नीचे आवा से अदरक लहसुन डाल के कुकर लगाएंगे। 1 टीस्पून जर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन, अब इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप अदरक लहसुन नहीं डालना चाह रहे हैं तो खाली लहसुन भी डाल सकते हैं। तो गार्लिक मटन पालक बोलते हैं उसको, इसमें आप वेज में भी बना सकते हैं, आलू पालक भी बना सकते हैं, बिल्कुल जैसा तवा पालक बोलते हैं, फ्राई पैन में पालक बना लेते हैं अपन या तवे में। ये जैसा विंटर सीजन में, सर्दियों के सीज़न में बहुत जने बनाते हैं, यानी बघारी पालक। अब इसमें पानी नहीं डालेंगे, एकदम सिम पे रख के सीटी दूंगी मैं। अब मैं सिम पे रख डाली, अब इसको 5 सीटी दूंगी। पालक में जितना मटन गलेंगा पालक उतनी मज़े की होंगी। सीटी है इसको, ठंडा हो गया थोड़ा सा, गैस ऑफ है, अब गैस ऑन कर रही हूँ मैं मीडियम फ्लेम में। अगर आप खाली हरी मिर्ची के भी बनाना चाह रहे हैं बना सकते, मगर विंटर में सर्दियों के मौसम में हरी मिर्ची और लाल मिर्ची की मिक्स करके बनाते। अब ये मिर्ची डाल दूंगी। मिर्ची स्टार्टिंग में बोल दी मैं कितनी है, और गोश्त अच्छे से गल गया। अब इसमें पानी हुआ कुछ भी नहीं डालना है। अगर आप वो हड्डी वाला मटन नहीं लेना चाह रही तो भी बना सकते हैं, मगर हड्डी वाले मटन में पालक की भाजी अच्छी बनती। थोड़ा 2 पीस नली वाले भी है, नली का गोश्त डालने से पालक की भाजी बहुत अच्छी बनती। ये लेग पीस का गोश्त है, जैसा हाथ का गोश्त ऐसा बोलते हैं ना, गर्दन का गोश्त, ये लेग पीस का गोश्त है। ऑयल भी बिल्कुल बराबर है। पालक ऐसा एकदम ग्राइंड करी जैसी हो जाना, जैसा अपन पालक पनीर बनाते ना,
उस टाइप की हो जाना, वो अपन ग्राइंडर में करते हैं, ये कुकर में करें इसमें वो जल्दी बनती है, क्विक एंड ईजी। पालक को चाहिए, अब इसको ऐसे कवर नहीं करेंगे, कवर करें तो पानी छूटता। 5 मिनट रखूँगी मैं इसको, फिर आप लोगों को बताऊँगा। ऑयल आ रहा है इसमें, ऐसा साउंड आना, आप लोग साउंड नोट करिए। अब गैस बंद कर दूंगी मैं, आप लोगों को डिश आउट करके बता। पालक गोश बनके तैयार है, आप इसके साथ खट्टी दाल भी बना सकते हैं, टमाटे की कड़ी बना सकते हैं। अगर टमाटे की कड़ी नहीं बनाना चाह रहे हैं तो खट्टे की कड़ी बना सकते हैं, और विदाउट भजियों वाली दही की कड़ी भी बना सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआ में याद रखिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।